भैया ये क्या हो रहा है? नहीं है क्या ताला? हाँ उन्होंने दिया बोला है। अच्छा बोला कि तांडे ही कुछ चीजें लगी हुई इसके अंदर। इतना नहीं दिया तुमने? क्या पढ़ के दिया क्या नहीं? क्या आवाज आ रही ना? आवाज आ रही है। खैर सुनो मेरी बात, सच बोली तो चीज हो सो गाइस कैसे हो आप सभी, आपको बस मन हाजिर है वापस न्यू वीडियो साथ में और स्वागत करता हूँ आपकी अपनी यूट्यूब फैमिली एस के होटल के अंदर। तो गाइस पहुंच चुका हूँ लोकेशन पे, कैमरे अपने अज्जू भैया वापस आपके एक मोस्ट डिमांडिंग लोकेशन। आप सभी की डिमांड के साथ साथ जो यहाँ के मालिक है ना उनकी भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी यार। अब जाओ आप वहाँ पे क्यों? अब आप सोच रहे हो क्यों? तो अजय भाई आपके पास कॉल आया था, क्या बोला था उन्होंने? भाई मेरे पास कॉल आया था, उन्होंने मेरे को बोला था कि हमने वहाँ पर एक तांत्रिक को भेजा था, कोई बाबा वगैरह थे उन्होंने यहाँ पे भेजा था। तो उन्होंने यहाँ पे कोई क्रिया वगैरह की थी, ठीक है। वो क्रिया करने के बाद में उन बाबा का यह दावा था कि या तो वो चीज़ यहाँ से पूरी तरीके से हो जाएगी ख़त्म, क्योंकि यहाँ पे एक आत्मा नहीं है कि बहुत सारी आत्माएं हैं, तो या तो वो सारी आत्माएं यहाँ से हो जाएगी ख़त्म, ठीक है, या फिर वो क्रिया करने के बाद में वो चीज़ जो भी यहाँ पे एक्टिव है अभी, हाँ। वो और हावी हो सकती है, क्रोधित हो सकती है और गुस्सा हो सकती है वो चीज़, क्योंकि उन्होंने एक आत्मा का ज़्यादा जिक्र किया था। हाँ बोल रहे थे कि उसकी जब अंतिम संस्कार हुआ था, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था कि ये घर बनने से पहले यहाँ पर संस्कार हुआ करता था, तो जो उसकी जो क्रिया होनी चाहिए थी वो प्रॉपरली नहीं हुई उसके धर्म के अनुसार, जो कि वो जो क्रिया ही थी ना वो प्रॉपरली होनी चाहिए। भाई आवाज आ रही है कन्फर्म नहीं, उसी गेट के पास में से जो कमरा है उसी के पास में से। मुझे तो नहीं लग रहा कि कुछ खास फर्क है, मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि अंदर एंटर होते हैं आवाज़ें आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि जो वो बाबा ने सेकंड बात बोली है ना वो हो गई। भाई नहीं, उन्होंने देखो यार, उन्होंने पहले ये चीज़ क्लियर की है, या तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, मतलब चली जाएगी यहाँ से, ख़त्म नहीं होगी मतलब चली जाएगी यहाँ से, ठीक है ना, या फिर वो भी ज़्यादा प्रोग्रेस हो सकती है। सो गाइस आज मेरे दोस्त आयरन का बजट एक्स्ट्रा है, तो उससे मेरी ये शर्त लगी कि उसका जो सॉफ्टवेयर है वो मुझे यूज करना होगा फॉर द एविटर गेम। अगर गाइस इस सॉफ्टवेयर के अंदर मैं कितने ही पैसे हारा तो वो मुझे 10 गुना उसका रिटर्न करेगा, तो गाइस ऐसे मौके को मैं कैसे मिस कर सकता था। तो गाइस 6 राउंड की प्रेडिक्शन है और मैं 1000 रुपए की बेट लगा रहा हूँ जो कि 10.87 का रेशियो है एंड बेट। और गाइस देखो ये रहे प्रेडिक्शन सही था गाइस, इसलिए मैंने 8,510 रुपए जीत लिए हैं। तो गाइस इसको यार एक बार और ट्राई करना चाहिए। और गाइस मैं इस बार हाई प्रोपोर्शन का इंतजार कर रहा हूँ जो कि 8.74 का है। और गाइस इस बार मैं 7,000 रुपए की रिस्क ले रहा हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। और यस गाइस इस बार फिर से मैं जीत गया हूँ। देखा गाइस आपने रॉकेट 8.74 पे परफेक्टली लैंड कर गया। और गाइस आपने देखा था कि मैंने कल 1000 रुपए से स्टार्ट किया था और अभी मैं 43,160 रुपए जीत चुका हूँ। देखो
और अगर तुम मुझे आयरन को भी कुछ नहीं देना और अगर आप भी सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहते हो तो फॉलो कीजिए कुछ सिंपल से स्टेप्स। तो आयरन के टेलीग्राम चैनल पे जाओ और लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे जाओ और वहाँ पे टुडे टेक्स्ट में वाला ऑप्शन पिन होगा, वहाँ पे जाके आप क्लिक करो। तो क्लिक करने के बाद में आपको आयरन को टेक्स्ट करना है कि आप कहाँ से हो, मतलब जैसे मेरे चैनल से आया तो आपको एस के होल्ड लॉग्स करके वहाँ पे आपको टाइप करके छोड़ देना और इंतजार करना रिप्लाई आने का। और गाइस लिंक कमेंट बॉक्स के अंदर पिन है, इजिली जाओ स्टेप को फॉलो करो। सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा वैसा नहीं लगेगा भाई आगे जाने के बाद में। तो आज मिलते हैं आयरन के टेलीग्राम चैनल पे। पता नहीं भाई उन्होंने मेरे को यही बोला था कि कोई चीज़ है ना यहाँ पे, बाबा ने कोई दफनाई भी है क्या, कोई चीज़ दफनाई है उन्होंने यहाँ पे दफनाई कोई चीज़। हाँ मतलब उस यहीं पे आसपास में, मतलब उन्होंने जो गेट है ना गेट का साइड में कोई चीज़। अब बोल रहे हो मुझे दिमाग से आउट हो गया मैं, काफ़ी चीज़ें काफ़ी सामान भी यहाँ से निकला हुआ है देखो। वहाँ से सामान नहीं है यहाँ से, एक से हो रहा इधर से उधर इधर से उधर। तो हो सकता है भाई बाबा के साथ में कुछ फैमिली वाले भी आई हो यहाँ पे। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा आगे वो चीज़। हाँ एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा लोकेशन करे नॉर्मल कैमरे से ताकि आप इजीली समझ पाओ कि अब इसमें कितना बदलाव आ चुका है। देखो यहाँ पे जो पूरी झाड़ियाँ वगैरह है, झाड़ियाँ वगैरह जो है ना, मतलब आप देख रहे होंगे कितनी बड़ी बड़ी हो चुकी है। झाड़िया वगैरह जो देख सकते हो आप कितनी बड़ी हो चुकी है, इनके अंदर सांप वगैरह भी हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो आपके माइंड में अब अच्छी तरीके से घुस चुकी होगी कि ज्यादा पुराना नहीं है, ये बात मैंने क्लियर की थी फर्स्ट पार्ट के अंदर। और कोई भी ऐसा घर बनाएगा ना तो वह रहने के लिए बनाएगा, उसको बना के छोड़ेगा नहीं, और बना के शायद हो सकता है छोड़ भी दे फार्म हाउस के तौर पे, लेकिन वो हर चीज़ का जो है ध्यान रखेगा, ख्याल रखेगा कि यार वहाँ पे जिसकी जो पूरी हालत है ना वो जर्जर अवस्था के अंदर ना हो। इसकी हालत देखो पूरी तरीके से बिगड़ी हुई है। आप कैमरे के सामने जो मैं चारों तरफ राउंड करके दिखाई दो एक बार, कमरे के अंदर से आवाज आ रही है। कौन है? हवा बिल्कुल भी नहीं, करने के लिए आए थे ना वही करते थे वो कि मेरे को ज़्यादा लग रहा है ना, देख थोड़ा सा ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। नहीं भाई जो काम करने हैं वो काम करते हैं यार। बस आज का देखो सुख यही रहेगा, आज वापस हम यहाँ पे लगाने वाले हैं सीसीटीवी कैमरा, ठीक है ना, एक नहीं चार कैमरे में वापस लगाऊंगा आज। और उसमें ये चीज़ें क्लियर करनी है मुझे, ये तो खैर अभी भी क्लियर हो चुका मेरे हिसाब से, तो कि एक नहीं हज़ारों आत्मा हैं, लेकिन अभी भी हमारे आसपास भी है ना बहुत सी चीज़ें जो हमें देख पा रही है, जो कि हमारे पास जो आवाज़ें आ रही हैं तो उससे हम आवाज़ कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। आपने पता नहीं अभी क्या अपने माइंड के अंदर थिंकिंग लाई होगी, लेकिन मेरा सोचना यही है कि सीसीटीवी कैमरा हम लगाएंगे ना तो उनके अंदर है ना हमें ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर और कितनी आत्माएँ हैं। गेट की आवाज़ ओपन हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, कौन अंदर? पर अंदर कोई भी नहीं भाई, कौन अंदर? ये क्या हो रहा है, मैं पूछता हूँ कौन अंदर? भाई यार ये क्या हुआ, अभी देखा था अंदर तो कुछ नहीं था। हाँ भाई बिल्कुल नहीं,
तो इसमें सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा पाएंगे। ट्राई करते हैं भाई एक बार यार, बस फिर भी ना ट्राई करते हैं कि हम कितने कैमरा लगा पाते हैं, है ना। 3, 4, 2 जितने भी लगते हैं उतने तो लगाते ही हैं। मेन मेन जगह लगाने की कोशिश करते हैं और कहीं भी कुछ एक्टिविटी हुई ना वापस में हम तुरंत कैमरा स्टार्ट कर देंगे। अज्जू भाई को लाइट और कैमरा में हाथ में देके रखूंगा। अज्जू भाई देख लगा अपने प्रोमोट से कैमरा लगाते हैं, ठीक है। बस तुरंत कैमरा ऑन कर देना आप, ठीक।
जस्ट रिमाइंडर कि आप आयरन यूनिक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का मौका मिस ना करो, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर है और आयरन को टेक्स्ट करके आप मेरे चैनल से आए हो। और गाइस ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ, इससे मैं 3000 रुपए कमा चुका हूँ, तो गाइस गो।